हाँ जी हेलो एंड सत श्री अकाल दोस्तों, थोड़ा सब का स्वागत है अज के 5 बजे के सैशन जिदे विच असी साडा पंजाब जो किताब है शुरू की है, जिदे विच असी पूरी दी पूरी जो किताब है दोस्तों कंप्लीट करनी है चैप्टर बाय चैप्टर। अते पिछले 2 दिन दे विच है इस दे 2 चैप्टर हो चुके ने। तो क्लास की शुरुआत करने तो पहला चाहांगा एक बार जल्दी नाल दस देवो दोस्तों हजे तक जिन्ना भी कुछ करवाया है चंगे तरीके नाल तुहानू समझ आया कि नहीं आया, ताकि दोस्तों पता लग सके। नाल ही नाल सैशन नूं है एक बार साझा भी जरूर कर दो अपने सारे दोस्तों के नाल अते अपने सारे वट्सएप ग्रुप्स जो कि दोस्तों जो है प्रैपरेशन नाल जुड़े हुए हैं। तो अज असीं शुरू करांगे पंजाब साडा पंजाब नाल जुड़िया 3रा चैप्टर एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब जी। अते जो सुरजीत गगन जे एस कौशिक बहुत बहुत जो है स्वागत गुड ईवनिंग। इतने जो है मैं एक बार जो अपना टैलीग्राम ग्रुप है जी जो अपना दोस्तों जो साडा जो पंजाब सक्सैस मंत्रा का जो टैलीग्राम ग्रुप है उस नाल भी साझा कर देव ताकि बाकी स्टूडेंट्स नूं भी एक बार पता लग सके कि जी क्लास की शुरुआत है वह हो चुकी है। हाँ जी ठीक है, तो स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हाँ जी, तो इस क्लास की शुरुआत करने तो पहला सारे ही स्टूडेंट्स को दसना चाहांगा कि दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है कि पंजाब का जो एग्जाम सी नैब तहसीलदार का उसके उपर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिट लगा दी है, जिस करके क्योंकि दोस्तों जो है ये एग्जाम है सिर्फ तो सिर्फ अंग्रेजी भाषा के आया सी, तो भाषा के कारण यह रिट के कारण हो सकता है कि यह दोस्तों एग्जाम है लगभग कैंसल हो चुका है। तो संभावना है कि हम दोबारा ही होगा, पहले ही 1.5 साल जो है बाद होया सी एग्जाम दिसंबर 2020 दे होया सी आया सी एग्जाम अते हुण जाके इस एग्जाम दोस्तों निपर चढ़िया सी। तां बड़ी माड़ी खबर ही मैं कहांगा, चाहे थोड़ा एग्जाम चंगा होया माड़ा होया लेकिन दोस्तों हौसला जरूर टुटदा है, कॉन्फिडेंस जरूर टुटदा है, चाहे जो है इस तरह जदों एग्जाम है कैंसल हुंदे ने। तां चलो चलदे हां जी अज दे दोस्तों उस 3रे लैक्चर ते एंशियंट हिस्ट्री पंजाब। लेकिन उस तो पहला दस देवां कि कल असीं जदों कर रहे सी दोस्तों जो साडा सैकेंड जोग्राफिकल जो रीजन ऑफ पंजाब, तां इस दे विच जो है मैं थोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तक करा दिता सी। इस तो अलावा थोड़ा जा 2 स्लाइड्स मैं होर इहदे विच इनकलूड करना चाहांगा जिहदे विच पंजाब दे विच जो जोलॉजिकल पार्क ने दोस्तों, खास तौर पर यह पुछ लिया जाता है कि जो छतबीड़ जू है, क्योंकि छतबीड़ पिंड का नाम है अते छतबीड़ के नाम तो ही मशहूर है, इसका नाम है महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क जो कि चंडीगढ़ मोहाली के पास छतबीड़ पिंड दे विच है। इस तो अलावा लुधियाना जू मिनी जू जो है लुधियाने विच है दोस्तों, अते पटियाले दे विच भी एक होर मिनी जू है जिसनों डीयर पार्क भी बोलते हैं अते मिनी जू बठिंडे दे विच है, लेकिन खास तौर पर महेंद्र चौधरी जोलॉजिकल पार्क है तुसी याद जरूर रखना है। फिर दोस्तों पंजाब दे विच जो वक्री वक्री यह मिट्टी है जिदे विच फ्लड प्लेन वाली मिट्टी, लोमी सोयल, सेंडी सोयल, सायरोजैम डेजर्ट सोयल, कांडी सोयल, फॉरेस्ट सोयल, सैलिन सोयल, दोस्तों ये किहड़े किहड़े इलाकों के विच पाई जाती है। खास तौर पर मैं जो है एग्जाम के विच वेख्या कि जो कंडी सोयल है दोस्तों जो पठानकोट गुरदासपुर होशियारपुर नवांशहर वाला जो इलाका है इत्थे ज़्यादातर पाई जाती है। इस तो अलावा जो लोयमी सोयल है दोस्तों हरेक दे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स इत्थे लिखे हुए हैं, एक बार रिपीट मैं जरूर कर देना क्योंकि पंजाब के एग्जाम्स दे विच मैं 2 तरह दीयां सोयल्स खास तौर पर देखिया हुई ने जो एग्जाम दे विच आईयां ने। एक कंडी सोयल है जो ऑलरेडी मैं गल कर चुका दोस्तों माझे वाले इलाके दे विच है, अते उस तो अलावा जो डेजर्ट सोयल है ये जो राजस्थान नाल लगते इलाके ने अबोहर अते दोस्तों फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट दे विच अते उस दे नाल नाल जो मुक्तसर है, बठिंडा है, मानसा है, उस इलाकों के विच भी यह डेजर्ट सोयल पाई जाती है जिसनों असी सैमी एरिड जो है मिट्टी भी बोलते हाँ। फिर असी गल करांगे दोस्तों पंजाब के मिनरल्स की, पंजाब के खास तौर पर जो मिनरल्स ने दोस्तों सब तो वड्डा जो मिनरल्स है वह तो रेता ही पाया जाता है दोस्तों, जिसके उपर पंजाब की पॉलिटिक्स भी जो है वड्डे स्तर पर हुण टिकी हुई है, उसके उपर करप्शन दी गल्लां आए दिन असी सुनते हैं। इस तो अलावा असी देखिए दोस्तों जो है सैंड है, ग्रेवल्स है, सिल्ट है, पैबल्स ने, यह सारे के सारे पंजाब के मिनरल्स ने जो खास तौर पर दोस्तों दुआबे दे विच पाए जाते हैं, हुशियारपुर, नवांशहर, गुरदासपुर, पठानकोट, हिमाचल का इलाका है, जलंधर, फिरोजपुर, फाजिलका अते राजस्थान नाल लगते यह 2 इलाके, इन्हां दे विच खास तौर पर यह पंजाब के मिनरल्स पाए जाते हैं। मैं रिपीट कर देना फिर भी एक बार जो समझ नहीं आया स्टूडेंट्स नूं, ये साडे मिनरल्स ने जो पंजाब की मिट्टी धरती चो पाए जाते हैं, सैंड, ग्रेवल, सिल्ट अते पैबल्स, अते यह पूरी की पूरी जो पाकिस्तान नाल लगती बैल्ट है उत दोस्तों इतने गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, इस तो अलावा हुशियारपुर, नवांशहर के विच है ज़्यादातर यह पाई जाती है। फिर असी स्टार्ट करांगे पंजाब का 3रा चैप्टर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ पंजाब। हाँ जी,
इतने मैं उम्मीद करना थोड़ा घट समय के दोस्तों पूरे के पूरे चैप्टर करने की मेरी कोशिश रहती है। हर रोज़ 20-25 मिनट का यह सैशन रहा है। उम्मीद करता थोड़ा नाल नाल समझ चंगे तरीके नाल आ ही जाता होएगा, लेकिन तुसी जरूर है दस सकते हो। जो है मीनाक्षी जंगीर जो कह रहे हैं स्क्रीन जो क्लीयर नहीं है तो तुसी एक बार अपना रेजुलेशन इनक्रीज करके जरूर देख लवो तो शायद जो है स्क्रीन पूरी तरह नाल क्लीयर हो जाएगी, क्योंकि डायरैक्टली स्क्रीनशॉट्स लए गए हैं इस करके जो है अक्षर थोड़े जे घट दिखते होने, लेकिन ध्यान नाल तुसी सुनते रहो। उम्मीद करते हैं कि थोड़े को पंजाब जीके की जो PDF हो या फिर जो को इसकी हार्ड कॉपी हो उस पढ़ते रहो ताकि थोड़ी नाल नाल ही रिवीजन होंगी रहे, थोड़ी टाइम पीरियड के पूरा पूरा पंजाब जीके थोड़ा कवर हो जाएगा। दोस्तों एंशंट जो है टाइम पीरियड की गल करिए असी हिस्टरी के भी पढ़ते हैं तो असी पूरी की पूरी जो साड़ी हिस्टरी है जो साड़ी दोस्तों स्टोन एज सी जिथे पत्थरों नू ही यूज कराया जाता सी उत्थे उसनों असी तीन हिस्सों के वंडते हाँ पैलियोलिथिक मैसियोलिथिक न्यूलिथिक। जे तुसी पूरा का पूरा इतिहास पढ़िया है तो उत्थे भी इंडस वैली तो पहला है ये तीन स्टेजेस बारे तुसी जरूर पढ़िया होना। तो जो असी पैलियोलिथिक की गल करते हाँ या मैसोलिथिक की गल करते हैं तो जो 1947 की साड़ी वंड सी 1947 की वंड वेले मैक्सीमम पैलियोलिथिक या मैसोलिथिक नाल जुड़े वह इलाके जो पंजाब दे विच स्थित सन दोस्तों वह पूरे के पूरे पाकिस्तान की तरफ चले गए। इत्थे जो है मैं थोड़ा कुछ इलाकों बारे दसना चाहना जिमें कि दोस्तों इत्थे हुशियारपुर हजे भी भारत के विच है, इस तो अलावा दौलतपुर टोलबाहा ढीर माजरा टंग ढड्डी मीरांवाला नालागढ़ जो हिमाचल के विच है किसी टाइम यह भी एक रियासत होया करती सी पीरथान खोखरा कछुआ भूत रामपुरा अते सरसा ये सारे दे सारे जो जो असी वेखते हाँ दोस्तों पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के इलाके ने। हालांकि एग्जाम दे विच अज तक मैं नहीं देखा कि ये पंजाब दे ओ इलाके पुछे होण जो पैलियोलिथिक एज नाल जुड़े हुए ने, ठीक है। खास तौर पर इत्थे खास तौर पर लिखा है कि दोस्तों चंडीगढ़ दे विच अज तक वैसे ये सुखना लेक लई बड़ा मशहूर है, लेकिन इत्थे एक नैचुरल लेक है होया करती सी जिथे दोस्तों वड्डे वड्डे जो हाथी है अपने लोंग टस्क दोस्तों लोंग टस्क का मतलब है कि बहुत वड्डी जो शरीरिक बनावट वाले इत्थे होया करते सी अते ए जो है कितना किते जो मतलब उस टाइम पीरियड के सब तो वड्डे जानवर होया करते सी जो कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड। हुण पैलियोलिथिक का मतलब मोटे तौर पर मैं कह सकता कि अज तो लगभग लखा साल पहला दी इत्थे गलबात हो रही है अते उस टाइम पीरियड से जो फलोरा अते फ्यूना सी वो जो है इस इलाके दे विच काफ़ी प्रफुल्लित सी। मैं एक बार रिपीट कर देना ये किहड़े किहड़े इलाके ने, हालांकि जे तुहाडे कोल पंजाब साडा पंजाब बुक है तुसीं उत्थों वेख भी सकते हो हुशियारपुर टोलपुर टोलबाहा धीर माजरा तंग ढड्डी मीरांवाला नालागढ़ पिरथन खोखरा कछुआ भूद रामपुरा अते सरसा ये सारे पैलियोलिथिक एज नाल जुड़े हुए ने। फिर मैं मैसोलिथिक की गल करदा हाँ तो दोस्तों मैसोलिथिक नाल भी जो है कुछ इलाके ने जिवें इत्थे जो है मैं दसना चाहाँगा न्यूलिथिक वर डिस्कवर एट दोस्तों ब्यास के आस पास के जो इलाके ने यह मैसो न्यूलिथिक नाल जुड़े हुए हैं। हुण न्यूलिथिक सब तो पहले मैं दस देव न्यूलिथिक वो टाइम पीरियड है जो जिस तो बाद दोस्तों मैटल की खोज हो चुकी सी। तुसी इतिहास पढ़िया होएगा उस दे विच भी असीं पढ़ते हाँ सब तो पहला मैटल जो इतिहास के लभ्या गया वह कोपर सी, हाँ जी तांबा सी। हाँ दोस्तों उस टाइम पीरियड के जो है ब्यास के आस पास का जो इलाका है उस दिया जो वसो है वह न्यूलिथिक एज नाल है बिलोंग करती है। जो दूजी दैट इज़ द मैसोलिथिक एज इन इंडिया इज करैक्टराइज मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्मॉलर फाइन एंड मोर वराइड फ्लेक टूल्स एंड इस तो अलावा दोस्तों इस एज नाल जुड़िया कोई भी जो सानू थां है पंजाब दे विच नहीं जो है मिलती है। खास तौर पर मैं इस करके भी यह गल कहना चाहाँगा क्योंकि मैसोलिथिक ही वह टाइम पीरियड से जदों संसार का या एशिया का सब तो पुराना एग्रीकल्चर के एविडेंस सानू एक मेहरगढ़ नाम के जो है पिंड मिलते हैं जो कि अजकल पाकिस्तान के विच है, लेकिन पूरे पंजाब दे विच सानू कोई भी साइट नहीं मिलती जो इस टाइम पीरियड नाल है जुड़ी हो। मैं रिपीट कर देना पैलियोलिथिक मैसोलिथिक अते न्यूलिथिक ये तीन जो है स्टेजेस ने हिस्टरी दियां एंशंट हिस्टरी दियां जो असी इंडस वैली तो पहला वाले टाइम पीरियड दे विच पढ़ते हाँ जी। फिर खास तौर पर जो असी हड़प्पा सभ्यता की गल करते हैं इतने ध्यान देने लायक ये गल है कि जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों हड़प्पा यह जो शहर है ये वैसट पाकिस्तान मतलब जो वैसट पंजाब है जो पाकिस्तान के चला गया यह जो शहर उत्थे ही स्थित से हड़प्पा नाम का यह जो पिंड है अते ए पूरी दी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही पंजाब दे एक पिंड दे नाम ते है इसका नामकरण होया है जो कि 1921 दे विच
दया राम सहनी ने है जिसनों सर्च आउट किया सी, इन्वेंट किया सी। इस तो अलावा जो असी गल करिए होर भी बड़े सारे शहर ने, मोहनजोदड़ो है वह भी दोस्तों जो है पाकिस्तान के पाया गया, लेकिन असं सिर्फ सिर्फ पंजाब नाल जुड़े जो शहर देखिए तो इतने चाहे वह साडा इंडिया का पंजाब हो चाहे पाकिस्तान का, तो इसके कुछ खास इलाके ये रहे जिद नंबर एक रूपनगर है, दूजा कोटला निहंग खान है जो कि रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ही है, फिर रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का ही एक पिंड बारा है, फिर दोस्तों संगरूर डिस्ट्रिक्ट का एक पिंड रोहिरा है, फिर फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक पिंड संघोल है, फिर उस तो बाद लुधियाने का जो है एक पिंड सुनीत है। दोस्तों ये सत्त दे सत्त जो इलाके ने इंडियन पंजाब दे विच स्थित ने, सारे के सारे हड़प्पा सभ्यता नाल जुड़े हुए इलाके ने। खास तौर पर बहुत बार सानू क्वेश्चन जो है संघोल का बहुत बार आता है, रूपनगर का बहुत बार आता है, लेकिन रूपनगर शहर तो अलावा हालांकि जो तुम कदे रोपड़ गए हो उत्थे हड़प्पा सभ्यता नाल जुड़िया हुआ एक म्यूजियम भी है, लेकिन इस दे विच कई सारे पिंड मैं रिपीट कर देना, कोटला निहंग खान, बारा, रोहिरा, संघोल जो फतेहगढ़ साहब दे विच है, लुधियाने दे विच जो सुनीत है, ये सत्त दे सत्त इलाके ने यह हड़प्पा सभ्यता नाल जुड़े हुए हैं जी। फिर असं वेखते हैं उस तो बाद हड़प्पा तो बाद जो है आर्यन जिन्होंने आके इत्थे दोस्तों जो है एक अलग टाइम पीरियड की जो है शुरुआत की, उही टाइम पीरियड से जिथे वेदा की भी रचना की गई, तो इस दे भी काफ़ी सारे जो इलाके ने वह पंजाब नाल स्थित ने, जिमें कि कहा जाता है इतने मैं अंडरलाइन करके दसना चाहूँगा दोस्तों जो है ऋग्वेदा जो ऋग्वेद है जो चार वेदा के सब तो पुराना वेद है मनिया जाता है कि उसनू भी जो है पंजाब के इन दरियावान के बैंक्स के उपर ही है दोस्तों रचया गया। हालांकि वेदा की रचना किसने की अज तक यह जो है दोस्तों एक मिथ है बन के रहा है, लेकिन इन्ह की रचना भी जो है मनिया जाता है कि पंजाब के ये जो दरिया से जो सपत सिंधु से इन दरियावान के कंडे ते ही किसी टाइम पीरियड से हुई, इतने ही जो है दोस्तों रामायण, इतने ही महाभारत और महाभारत का एक हिस्सा भगवत गीता सारिया की सारिया इंपोर्टेंट बुक्स है इस धरती के उपर ही कंपोज हुई ने। इस तो अलावा जो असं गल करिए जो है इट इज़ बिलीव दैट मदर ऑफ लॉर्ड रामा द ग्रेट हीरो ऑफ रामायण बिलोंग टू पंजाब, तो जो श्री राम जी की जो जो माता सी वह भी दोस्तों है इस पंजाब वाले इलाके तो ही बिलोंग करती सी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी दसम ग्रंथ नू है जो कनैक्ट किया हैज़ कनैक्टड कुरम इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट, मतलब उत्थे उन्होंने मैनशन किया है कि जो श्री राम की जो माता सी माता कौशल्या वह पटियाला डिस्ट्रिक्ट कुरम नाम का जो एक पिंड है उत्थों है वो बिलोंग करते सी, अते इस चीज़ नू उन्होंने मैनशन अपने दोस्तों जो किताब अपने ग्रंथ दसम ग्रंथ के विच कीता होया है। दसम ग्रंथ ये वो जो है ग्रंथ है जिस दे विच दसवें गुरु साहब ने अपनी सारी बाणी अलग तो कंपाइल की हुई है जी। ठीक है, तो आर्यन के टाइम पीरियड से भी काफ़ी जो है बड़ा इतिहास है पंजाब दे विच असी वेखन देखते हाँ। इस तो बाद फिर असी वेखते हाँ कि जो ग्रीक रूलर से अलैगजेंडर उसने भी जदों पूरी दुनिया नूं जितन चलिया तो भारत नूं जितन दे विच जो है सब तो पहला उसनूं अटैक पंजाब दे उपर ही करना पिया, अते पंजाब दे विच आके ही दोस्तों उसका जो मुकाबला है जो है पोरस नाल होया, पोरस नाल जो है उसकी यह लड़ाई हुई, उनका बैंक ऑफ जेलम दोस्तों जेलम जो है नदी के किनारे के उपर जो बैंक के उपर यह लड़ाई हुई हाइडस पास बोल देने जिसनों जिस दे विच है पोरस हार गया, लेकिन फिर भी उसनों अपने राजभाग का वड्डा हिस्सा है अलैगजेंडर द्वारा वापस कर दिता सी। हेयर द लेजेंडरी कंजरवेशन जो है ये जो कंजरवेशन तो है काफ़ी अट्रैक्ट होया अलैगजेंडर अते काफ़ी वड्डा हिस्सा उसनों वापस दे के चला गया सी। फिर असी उस तो बाद भी देखिए बड़े सारे जो रूलर्स इत्थे होए खास तौर पर मोरियंस तो बाद सुंगास होए, ग्रीक्स होए, शाकास होए, पार्थिंस होए, कुशांस होए, इन्हां दा भी दोस्तों जो है इन्हां दे राजकाल दा एक वड्डा हिस्सा है पंजाब दे विच ही स्थित होया करदा सी। हालांकि इन्हां विचों कदे भी मैं पंजाब जीके विचों क्वेश्चन आया होया नहीं वेख्या, तो इस करके मैं इन्हां नूं स्किप कर रहा, तुसीं भी इस नूं स्किप कर रहे हो क्योंकि अज तक पिछले 10 साल दे विच इत्थों कदे भी एग्जाम दे विच है एग्जाम पेपर दे विच है दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आया है जी। फिर चाहे तुसीं दोस्तों गुप्ता एज टाइम पीरियड की गल कर लवो क्योंकि गुप्ता दा ज़्यादा जो रूलर है जो उन्होंने जो सेंटर जो पॉइंट से वो मिडल इंडिया से वह बिहार के आस पास का इलाका से, तो यह पंजाब एक तरीके उन्होंने बाउंड्रीज होया करती सी एक तरीके जिमें अज भी जो है असी भारत की एक बाउंड्री स्टेट की तरह जो हाँ उस टाइम पीरियड से भी दोस्तों मध्य एशिया तो आने वाले लोगों लिए एक बाउंड्री ही होया करता सी पंजाब का यह इलाका। इतने खास तौर पर दसना चाहगा कई सारिया डिस्कवरीज हुई उस टाइम पीरियड से जिमें कि दोस्तों रैड पॉलिश
जो है पोट्री, मतलब लाल रंग की जो ये जो पोलिश की हुई जो पोट्री है जो दोस्तों मटकों के उपर होंगी सी उस टाइम पीरियड पर, उसकी जो डिस्कवरी है लुधियाना के सुनेत डिस्ट्रिक्ट तो की गई, जिसका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुकिया हाँ हड़प्पा सभ्यता नाल भी। इस तो अलावा भी बहुत सारी एंटीक्विटीज़ हैं दोस्तों उस टाइम पीरियड की। एंटीक्विटीज़ का मतलब होंगे बहुत सारिया पुरानिया होर जो है जो चीज़ा ने वह सानू है इस दे आस पास के इलाकों तो जो कि गुप्ता अंपायर नाल जुड़े हुए ने तो उत्थों मिली सी। तो इतने जो सुनेत है इस दे दा संबंध एक पासे हड़प्पा सभ्यता नाल भी हुंदा है अते दूसरे पासे असीं गुप्ता एज नाल भी इसका जो संबंध है वह कर दिंदे हां जी। तो दोस्तों अखीर दे विच जो है इसका मुस्लिम इनवेजन, हुण देखो जो भी इत्थे मुस्लिम इनवेजन होया ईरान तो अफगानिस्तान तो परशिया तो ओबियसली गल गेटवे टू पंजाब होण करके सब तो पहला उन्हां लोकां दा जो दोस्तों मुकाबला या उन्हां लोकां दी जो जान पछाण है पंजाब दे लोकां नाल ही होई। तो इत्थे कई सारे जो शहर है उन्हां दे उपर काफ़ी वड्डा प्रभाव पिया। इत्थे मैं कुछ बोलना चाहाँगा दोस्तों डूरिंग द इनवेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जो एरिया ऑफ पंजाब सी वाज अंडर द हिंदू शाही डायनेस्टी राजा जयपाल, तो पूरा का पूरा पंजाब का इलाका है जयपाल के अंडर होया करता सी जो कि दोस्तों हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर सी। हाँ जी फ्रॉम द सरहंद टू लंबका मॉडर्न लंबगन विद बठिंडा इट्स कैपिटल, तो दोस्तों इसकी जो कैपिटल सी उस टाइम पीरियड है बठिंडा होया करती सी। तो हिंदू शाही जो डायनेस्टी सी इसने बाद दे विच अपनी कैपिटल है बठिंडे तो शिफ्ट करके सरहंद कर ली सी। अते दोस्तों सरहंद जो है एक तरीके नाल एक सेंटर पॉइंट होया करता सी जो पूरे के पूरे पंजाब नूं जो है उत्थों कवर करया जांदा सी। बाद दे विच जो है जो गजनी ने कई सारे अटैक किए लेकिन अटैक्स दे विच है पंजाब दे विच है वह सिर्फ अटैक करके अगे वधन लई है उसनों यूज करता सी, लेकिन कहा जाता है कि उसने जिन्ना भी जो सोना चांदी गुजरात तो या दिल्ली तो परे दोस्तों जो है लुट के आया करता सी, बाद दे विच आउंदे आउंदे काफ़ी उसका वड्डा हिस्सा है इतों के लोग है उस तो लुट्टमार करके है खो लिया करते सी। इसे करके कहा जाता है कि गजनी ने अपना 17वां हमला खास तौर पर इतों की जो दोस्तों जो जाट कम्यूनिटी सी उस दे लई ही कीता सी, उसका जो 17वां हमला सी वह गुजरात या दिल्ली दे लई नहीं सी सिर्फ ते सिर्फ इस इलाके दे जट्टां दे लई सी जो हर बार उसकी लुट्टमार का वड्डा हिस्सा है खो लिया करते सन। तो दोस्तों ये कुछ जो क्वेश्चन ने मुस्लिम इनवेजन नाल जुड़े हुए हैं, एक दो चीज़ा होर हैं तुसीं पढ़ सकते हो, हालांकि पंजाब वाला जो इलाका है मैं पूरा का पूरा कर दिता जी। तो इसे दे नाल साडा दोस्तों ये जो तीजा चैप्टर है पंजाब जी के नाल जुड़िया हुआ है जिस दे विच असी एंशियंट हिस्टरी ऑफ पंजाब, एंशियंट हिस्टरी का मतलब है कि लगभग असी 7वीं-8वीं शताब्दी एडी तक जो है पंजाब का उस टाइम पीरियड का रीजन उस टाइम पीरियड के राजा महाराजा या उस टाइम पीरियड का इतने व्यवहार दोस्तों मोस्टली जो इनवेंशन है वो बारे असी देखिया। तो इसनों तुसी रीड आउट कर लेना और कल फिर असी इसका चौथा चैप्टर शुरू करांगे। उम्मीद करते हैं थोनू पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं उस तो भी ज़्यादा थोनू समझ चीज़ा जरूर आ गई होनी, एक बार जरूर दोबारा वेख लिया करो। और दोस्तों साड़ी पंजाब जो बुक है उसनों नाल पढ़ते रहो, इस तरीके सारी की सारी किताब है कंप्लीट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।